तो अभी पता है बच्चों का क्या माइंडसेट है, स्कूल में पढ़ रहे टीचर पढ़ा रहे, छोड़ना यार कोचिंग में पढ़ाएंगे, कोचिंग में पढ़ लेंगे, कोचिंग में टीचर पढ़ा रहे, अरे छोड़ना यार ऑनलाइन टीचर से पढ़ लेंगे, ऑनलाइन जब पढ़ने जाते हैं अरे छोड़ो ना यार सेल्फ स्टडी करेंगे तो पढ़ लेंगे। ये नहीं बोलना यार ट्यूशन टीचर वालों ने मॉड्यूल सॉल्व करने के लिए दे दिए, भाई करो बैठ के, तुम्हारे लिए ही दिए हैं, बैठो 3 घंटा लगाओ मॉड्यूल सॉल्व करो। जब स्कूल में गए हो ना तो सोच के जाना कि भाई मेरे को पढ़ना है स्कूल में, अदरवाइज डोंट गो टू स्कूल, डोंट वेस्ट योर टाइम। हे गाइस, दिस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। आज मैं क्लास 10th का कंप्लीट रोड मैप देने वाली हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है, ये बिल्कुल भी कोई नॉर्मल रोड मैप नहीं है, ये बुक्स कर लो, ऐसा कर लो, 4 घंटे पढ़ लो, 10 घंटे पढ़ लो, ये सब बातें यूजलेस है, हर एक बच्चे को पता होती है। जो चीज मैं आज बताऊंगी वो आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगी, ये एक आई ओपनर वीडियो है। आपको मेरी बातें हार्श लगेंगी क्योंकि ये रियलिटी है, ये मैंने भी फेस करी है। तो सबसे पहली चीज तो जो आप 11th क्लास में जाके देखोगे वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने कभी नहीं देखी। सबसे पहले आपके मार्क्स 30 या 40 में आए तो कोई स्ट्रेंज या कोई फिर शॉक होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये होता है बच्चों के साथ। वो टॉपर्स भी मैंने फेल होते देखे हैं 11th की फिजिक्स में या अकाउंट्स में जो 10th तक टॉपर हैं, और इट हैपेंस। तो जो भी सबसे पहले तुम्हें ये ज्ञान देना कि 11th का सिलेबस तुम 1 महीने में कर सकते हो, तो भाई सबसे पहले वहां पे पहले ही निकल जाना, ये बिल्कुल झूठ बात है। कोई बच्चा दुनिया का 1 महीने के अंदर 11th का सिलेबस नहीं कर सकता। तो एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी, टाइम कैसे मैनेज करना है, सेल्फ स्टडी कैसे करनी, स्कूल आवर्स को कैसे प्रोडक्टिव करना है, ये हर एक चीज मैं आपको बताने वाली हूं। तो वीडियो स्किप मत करना, जहां पे भी आपको लगे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वीडियो छोड़ के जा सकते हो। सबसे पहले जो मैं बात करूंगी वो करूंगी आपके स्कूल कोचिंग और सेल्फ स्टडी की, जहां पे आपका मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जाता है, कि मैं स्कूल कोचिंग और सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करूं। इसको क्रैक कर लिया ना अगर, तो समझ लो आपका 80% वर्कलोड खत्म हो गया। तो अभी पता है बच्चों का क्या माइंडसेट है, स्कूल में पढ़ रहे टीचर पढ़ा रहे, छोड़ना यार कोचिंग में पढ़ाएंगे, कोचिंग में पढ़ लेंगे, कोचिंग में टीचर पढ़ा रहे, अरे छोड़ना यार ऑनलाइन टीचर से पढ़ लेंगे, ऑनलाइन जब पढ़ने जाते हैं अरे छोड़ो ना यार सेल्फ स्टडी करेंगे तो पढ़ लेंगे। तुम लोग 4 जगह चीजें पढ़ रहे हो, लेकिन 4 जगह पढ़ने के बाद तुम्हें कहीं पर भी तुम्हारा सिलेबस खत्म होता हुआ नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में ये तुमने फीड कर रखा है कि मुझे चीजें फॉर ग्रांटेड लेनी है। 11th में ये एटीट्यूड बदल दो। 10th तक फिर भी थोड़ा चल गया होगा कि चलो ठीक है ऑनलाइन पढ़ के एक दिन पढ़ के निकालेंगे, नहीं। 11th में स्कूल कोचिंग और सेल्फ स्टडी को क्रैक करने का कोड मैं बताती हूं। सबसे पहले याद रखो, जब स्कूल में गए हो ना तो सोच के जाना कि भाई मेरे को पढ़ना है स्कूल में। अगर 8 घंटा मैं अपना स्कूल में दे रहा हूं, मेरे को पढ़ना है, नहीं तो मेरे को स्कूल ही नहीं जाना, अदरवाइज डोंट गो टू स्कूल, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो जब तुम स्कूल जा रहे हो याद रखो जो टीचर पढ़ा रहा है एक एक चीज वो तुम्हें 100% डिवोशन के साथ पढ़ने की कोशिश करनी है। ध्यान से पढ़ो, जब टीचर पढ़ा रहा है कोशिश करो कि 40-60% लेक्चर ईमानदारी से रिटेन करके आओ, जो भी बातें टीचर बोलता है उसे समझो। अब जब तुम दूसरा कोचिंग में जाओगे तो जब वही चैप्टर कोचिंग में पढ़ाया जाएगा तो आपके पास कुछ एक चीज पहले से पढ़ी हुई होगी, और जब वो आप दोबारा से कोचिंग में पढ़ोगे आपको जो थोड़ी बहुत चीजें स्कूल में नहीं समझ आई वो कोचिंग में समझ आएंगी। और ऐसे करते करते जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठोगे तो आपको एक चैप्टर लेकर के 6 घंटे नहीं बैठना पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा। जो बच्चे स्कूल या कोचिंग में ध्यान से नहीं पढ़ते वो सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं, वो 6-7 घंटा लगाते 11th के एक चैप्टर को खत्म करने के लिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी स्कूल में थोड़ा पढ़ लो, कोचिंग में थोड़ा फोकस के साथ पढ़ लो, तो भाई जब खुद से सेल्फ स्टडी करने बैठोगे तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा। जब यहां पे एक बार वही चीज पढ़ोगे, दोबारा से वही चीज कोचिंग में पढ़ोगे, तीसरी बार सेल्फ स्टडी में पढ़ोगे, तो समझ जाओ तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स किस स्पीड से भागेंगे, तुम किस स्पीड से समझ पाओगे, क्योंकि 10th में रट्टा तो होने नहीं वाला। 10th में तो बेटा समझ के ही पेपर करना पड़ेगा, और कोई दूसरा लॉजिक या रीजन है ही नहीं। समझ सकते हो टॉपिक को, समझना आता है, समझाना आता है तो बात है, अदरवाइज फालतू। तो ये चीज आपको समझ आ गई। दूसरी चीज क्या होता है ना, अब जब आप सेल्फ स्टडी पे पहुंचोगे तो अब आपको 2 घंटा स्टार्टिंग से देना शुरू करना है, ज्यादा नहीं मैं बोल रही। एक चीज याद रखना, स्कूल और कोचिंग का रेगुलर टाइम होना चाहिए, एवरी डे 40 मिनट स्पेसिफिकली डिवोटेड है स्कूल और कोचिंग के लिए। जिस दिन स्कूल में कुछ पढ़ाया तुरंत घर पे आकर रिवाइज कर दिया, कोचिंग में कुछ पढ़ाया रिवाइज कर दिया। अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है कि क्या क्या चल रहा है। स्कूल में एक चैप्टर की 3 हेडिंग्स पढ़ाई, घर पे आके उसी चैप्टर की 3 हेडिंग्स पढ़ दो। जितना पढ़ाया उतना ही पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बट जितना पढ़ाया उतना बहुत फोकस के साथ पढ़ दिया, ये काम आपको करना है। तो 2 घंटे में 40 मिनट तो सिर्फ और सिर्फ रिविजन को, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा
सेल्फ स्टडी के लिए आप 1 घंटा 20 मिनट दे सकते हो। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है कि मैं स्कूल के हिसाब से पढ़ूं या कोचिंग के हिसाब से पढ़ूं। देखो, तुम्हें जिधर ज्यादा समझ आता है, जिधर तुम्हें लगता है कि भाई ये मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है, यहां मुझे ज्यादा समझ आता है, उसको अपना मेन टारगेट रखो। अगर वहां पे तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो सेल्फ स्टडी में भी फर्स्ट चैप्टर ही करो, और स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं उसके साथ बस अपडेटेड रहो कि जब तुम उसे कोचिंग या सेल्फ स्टडी में पढ़ोगे तो तुम्हें एटलीस्ट कुछ ना कुछ उस चैप्टर के बारे में पता होगा। आगे ये बात समझ में। चलो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक अपना मंथली एलोकेशन चार्ट बना दो। स्टार्टिंग से आखिरी के महीने सिलेबस होने वाला है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबिलिटी तो हटा दो। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ से एलोकेट कर दो, भाई मेरे को मार्च में 2 चैप्टर करने हैं, अप्रैल में 3 चैप्टर करने हैं, मई में 3 चैप्टर करने हैं। एक और इंपॉर्टेंट हैक बता देती हूँ, जैसे ही 2 चैप्टर हो गए ना, दिस इज व्हाट आई डिड इन माय क्लास 11th, और पता है सरप्राइजिंगली 11th में बच्चों के 90% से ऊपर मार्क्स नहीं आते, मेरे आए थे 91.2%। तो याद रखना कि जब आप 11th में जैसे ही तुम्हारे 2 चैप्टर्स खत्म हो गए, उन 2 चैप्टर्स को तुरंत रिवीजन कर दो, 2 बार दोनों चैप्टर्स को 2-2 बार रिवाइज कर दो, उसके बाद ही आगे बढ़ना। सिर्फ चैप्टर को पढ़ के छोड़ मत देना, 2 बार एक चैप्टर को खत्म करने के बाद उसी महीने में एटलीस्ट 2 बार रिवाइज करना, ताकि वो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए। तो ऐसे तुम्हारी 5 रिवीजन हो गई, स्कूल में, ट्यूशन में, कोचिंग में, और खुद से 2 बार। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट चीज देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट होता है नोट्स। स्कूल वाले नोट्स दे रहे हैं, कोचिंग वाले नोट्स दे रहे हैं, और तुम्हें खुद से भी नोट्स बनाने। देखो, अगर तुम्हारे स्कूल में यह कंडीशन है कि भाई तुम्हें स्पेसिफिक एक नोटबुक चाहिए, तो उसे स्पेसिफिक रखो, इसको हटा दो। फिर स्कूल में जितना टीचर कराता है फटाफट से नोट्स बनाओ, वहीं के वहीं चेक करा दो। उसके अलावा कोचिंग और सेल्फ स्टडी की एक नोटबुक बना लो, एक नोटबुक हो, और ये नोटबुक को निकनेम दे दो कोई सा भी जो तुम्हें बढ़िया लगता है, और ये नोटबुक तुम्हारे बैग में हर समय होनी चाहिए, ये बेस्ट फ्रेंड है, जहां जाओगे ये नोटबुक तुम्हारे साथ साथ जानी चाहिए। तो मिशन 100 तुम्हारी नोटबुक का नेम है, हर जगह लेके जाओ, स्कूल लेके जाओ, कोचिंग लेके जाओ, अपने ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो पढ़ो, सेल्फ स्टडी में साथ रखो, ये बेस्ट फ्रेंड बन गए, ये नोटबुक हर जगह जानी चाहिए, यही वो नोटबुक है जिसमें तुम अपने सारे नोट्स बनाओगे। तो जितना कुछ भी तुम्हें ट्यूशन में पढ़ा रहे हैं उसको लिखो, लेकिन थोड़ी स्पेस छोड़ छोड़ के, या साइड वाला पेज छोड़ दो कि जब तुम दोबारा से घर पे सेल्फ स्टडी करो और तुम्हें लगे कि यार ये पॉइंट मिसिंग है तो वो लिख दिया, या जब तुम स्कूल से पढ़ के आओ और तुम्हें लगे स्कूल में टीचर ने एक ऐसा पॉइंट बताया जो मेरे ट्यूशन टीचर ने नहीं बताया, या मैंने सेल्फ स्टडी में नहीं पढ़ा, तो तुम उसे लिख सको। तो एक ही नोटबुक में तीनों जगह का स्टडी मटेरियल होना चाहिए, ताकि बार बार 4 बुक्स खोल के या नोटबुक्स खोल के पढ़ना ना पड़े। तो रिसोर्स को सॉर्ट करो अपने लिए, एक नोटबुक, सारी चीजें उसी में, स्कूल के नोट्स, कोचिंग के नोट्स, सेल्फ स्टडी के नोट्स, हर एक चीज एक जगह पे। अब एक अगली चीज मैं आपको बताती हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टेस्ट और रिविजन। जब भी स्कूल में कोई भी टेस्ट आए 11th में, याद रख लेना कि भाई वो आपका एग्जाम है, उसमें 100% डिवोशन दिखा दो। अब फर्क नहीं पड़ता वो टेस्ट 5 नंबर का है, 3 नंबर का है, या 2 नंबर का है, स्टार्टिंग से ही अगर कंपेटिटिव रहना सीख जाओगे तो पूरे सेशन में बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे। टेस्ट आया 5 नंबर का, 100% डाल दो कि मैं ये कैसे लाऊं। क्यों इंपॉर्टेंट है टेस्ट में परफॉर्म करना, क्योंकि टेस्ट में पढ़ते 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 रहने के बाद वजह से होता क्या है ना, पहली चीज तो तुम्हारा सिलेबस भी कवर होता है, दूसरी चीज तुम्हें टीचर के बारे में पता चलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चलता है, एब्सेंट माइंडेड होके नहीं करना है, कंपटीशन पता चलता है। भाई 10th तक छोड़ दो, 11th में कॉलेजेस में जाना है ना, अगर एक एक पॉइंट परसेंटेज से भी बच्चा रह जाता है, तो यहां पे 100% डिवोट करना है। कोई भी ट्यूशन टेस्ट आ गया, ये नहीं बोलना भाई यार ट्यूशन टीचर वालों ने मॉड्यूल सॉल्व करने के लिए दे दिया, भाई करो बैठ के, तुम्हारे लिए ही दिए हैं, बैठो 3 घंटा लगाओ मॉड्यूल सॉल्व करो, ईमानदारी से करो। पूरे 11th में एक चीज दिमाग में बैठा लेना, मुझे लाइफ में कुछ बढ़िया करना है, करूं या ना करूं, ऑनेस्टी प्रिंसिपल बना लो। जितना भी करो, जितना भी पढ़ो, ऑनेस्टी के साथ पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, बुक साइड कर दो, क्योंकि फिर उसका वो आउटपुट नहीं निकल पाएगा जो तुम चाह रहे हो। तो ये चीज याद रख लेना, टेस्ट में परफॉर्म योर 100%, गिव योर 100%, डजंट मैटर वो टेस्ट 3 नंबर का है, 5 नंबर का है। अब लास्ट में ना एक चीज है जो मैं आपको बताऊंगी, वो क्या होती है ना, जैसे ही आपकी क्लास 11 स्टार्ट हो गई, भाई फॉर्मूला शीट, जितने भी फिजिक्स के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बैठो बनाओ साइड रखो, जितने मैथ्स की फॉर्मूला है बैठो बनाओ साइड करो, सेम ऐसे ही जितने भी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, एक शीट बना लो, उसमें ऐसा लिख दो, 3 शीट बना लेना आपने, लिख दिया, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिजिक्स लिख दिया,
उस शीट के नीचे बस शुरू हो जाओ। तुमने चैप्टर वन पढ़ा, जितने भी तुमने फॉर्मूला पढ़े वो उसमें अपडेट कर दिया। अब जब चैप्टर टू पढ़ोगे तो उसी के नीचे आप चैप्टर टू के फॉर्मूलाज अपडेट करोगे, जब थ्री पढ़ोगे तो उसी के नीचे। इस तरीके से तुम्हारे पास एक ऐसी शीट अपडेट हो जाएगी जो तुम्हें हर जगह काम आने वाली है, स्पेशली एग्जाम्स के टाइम में। सेम यू हैव टू डू विद केमिस्ट्री। वंस यू स्टार्ट स्टडिंग केमिस्ट्री, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपने लिखनी शुरू कर दी, एक अलग से 3-4 पेजेस को स्टेपल कर लेना और बना देना। केमिस्ट्री में जैसे ही स्टार्ट हुआ आपने हेडिंग डाली, तीन चार जितने भी आपने केमिकल फॉर्मूलाज हैं लिख लिए, रिएक्शंस लिख ली, चैप्टर वहां पे खत्म हो गया, उसे खत्म कर दो। अब चैप्टर टू पढ़ना शुरू किया, चैप्टर टू की हेडिंग डालो, जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जितने इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूलाज हैं, राइट देम डाउन। एक स्टेपल नोटबुक होनी चाहिए 4-5 पेजेस की, जिसमें आप अपने रेगुलर फॉर्मूलाज अपडेट कर रहे हो, और ये तीन चीजें आपके नोटबुक की तरह आपके बैग में होनी चाहिए। जहां जा रहे हो इनको कैरी करो साथ में, ताकि जहां पे भी अटको कि भाई मुझे नहीं समझ आया, तुरंत से अपनी वो निकाली फॉर्मूला शीट और देख करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये है यार एक छोटी सी टिप जो आपको 11th में फॉलो करनी है। इसके अलावा मैं बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लेके आने वाली हूँ 11th और 12th के लिए। अगर आपको 11th और 12th के लिए और कोई वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बता देना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जिसपे मैं बहुत अमेजिंग नोट्स अभी डालने वाली हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो।